वसीयत का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का वसीयत जो है वो चाहे तो अपने बच्चे के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर सकते हैं। और आजकल का जो समय है उस समय में जो भी व्यक्ति हैं वो जब समझते हैं कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया, अब मुझे वसीयत बच्चों में कर देना चाहिए, तो वो अपने बच्चों में वसीयत प्रॉपर्टी का करके जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जब तक व्यक्ति जीवित होते हैं तब तक तो उस वसीयत पर उसी व्यक्ति का अधिकार होता है जो व्यक्ति वसीयत करने वाले होते हैं। वसीयत ग्रहीते का कोई अधिकार उनके जीवित तक नहीं रहता है। जब वो व्यक्ति खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद ही उनके बच्चों का या जिसको भी वो अपने प्रॉपर्टी का वसीयत करते हैं उनका अधिकार होता है। लेकिन जब उनका जीवन काल खत्म हो जाता है जो वसीयत किए हुए रहते हैं, उसके बाद जिनको वो वसीयत किए हैं वो अपने नाम से उस वसीयत का, उस जमीन का कैसे दाखिल खारिज करवाएंगे, कैसे अपने नाम से रसीद कटवाएंगे, क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताने वाला हूं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों में जमीन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न ना हो, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो समस्या है वो पहले से भी आता रहा है और आजकल कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी को लेकर इतना विवाद बढ़ जाते हैं कि आदमी आदमी को जान से भी मार देता है, गोली तक चल जाता है। तो ये समस्याएं उत्पन्न ना हो इसीलिए हर व्यक्ति आज पढ़े लिखे हैं, हर व्यक्ति समझदार हैं और वह अपने जीते जी ही अपने बच्चों में प्रॉपर्टी का बंटवारा वसीयत के द्वारा करके जाते हैं। अब जब व्यक्ति जब तक जीवित रहते हैं तब तक वह वसीयत पर उन्हीं व्यक्ति का अधिकार होता है जिन्होंने वसीयत किया हुआ है। जब वह व्यक्ति नहीं रहते हैं इस दुनिया में, खत्म हो जाते हैं, उनके जीवन काल के खत्म होने के बाद वसीयत जिसके फेवर में वो किए हुए हैं, पक्ष में किए हुए हैं, उन पर उनका अधिकार हो जाता है। अब वसीयत का अधिकार तो हो गया, लेकिन उस वसीयत पे कोई आपत्ति ना ले, उस वसीयत पे कल हो के कोई दावा ना करे, उस वसीयत पे कल हो के कुछ कोई व्यक्ति आके उस पे ये ना बोले कि ये वसीयत ही गलत है। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि वसीयत, देखिए रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों ही होते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड वसीयत जो होता है उसका वैल्यू कुछ अलग है, इसीलिए वसीयत को जब कभी भी बनाएं तो रजिस्टर्ड करा लें अवश्य। रजिस्टर्ड कराने से उसकी महत्व बढ़ जाती है, उसको चैलेंज करना भी मुश्किल हो जाता है। वसीयत करने के बाद यदि आप प्रोवेट करवा लेते हैं तो उसको तो चैलेंज किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि आदमी जो वसीयत किए हुए हैं उनका जीवन काल खत्म होने के बाद जिसके फेवर में वसीयत हुआ है वह अपने नाम से उस प्रॉपर्टी का जो वसीयत किया हुआ है उस प्रॉपर्टी का वो दाखिल खारिज कैसे कराएंगे, रसीद कैसे कराएंगे। इसका पूरा प्रोसेस ये है कि सबसे पहले जो वसीयत किए हैं उनका जीवन काल यदि खत्म हो गया है तो वह वसीयत जिनके फेवर में बनाया गया है उनको एक आवेदन यानी एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। उस एप्लीकेशन को लेके और जो वसीयत का ओरिजिनल पेपर है उसको लेके उनको सबसे पहले उनके निकट के जो उनके क्षेत्राधिकार में जो तहसीलदार होगा यानी एसडीएम का कोर्ट जो होता है वहाँ पे जाना पड़ेगा उनको। वहाँ पे जाके वो वसीयत की कॉपी और जो आवेदन बनाए हैं आवेदन में पूरा प्रॉपर वो लिखेंगे कि ये वसीयत करने वाले व्यक्ति हैं और मेरे
फेवर में वसीयत किए हुए हैं, इन व्यक्ति की मृत्यु हो गया है, मृत्यु का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी लगा दें, जिससे कि ये प्रमाणित हो जाएगा कि सही में व्यक्ति की मृत्यु हो गया है। और वह तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो भी हैं आपके क्षेत्र में, निकट क्षेत्र में, उनके पास जाएं और ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे आवेदन के साथ दें। उसके बाद वो जो है अब विकृति जारी करेगा, यानी एक जो नोटिस टाइप का होता है वह जारी करेंगे। वो जारी करने के बाद वो इसलिए जारी करेंगे कि किसी को यदि कोई आपत्ति है तो वो अपना आपत्ति आके यहाँ पे दर्ज करें। यदि कोई व्यक्ति आपत्ति दर्ज नहीं करता है तो वहाँ से आपका तहसीलदार के यहाँ से ही ऑर्डर हो जाएगा और आपका दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन बाई चांस यदि कोई व्यक्ति आपत्ति दर्ज करता है उस पर, तो वहाँ आपका एप्लीकेशन को अलाउ नहीं किया जाएगा और आपका दाखिल खारिज वहाँ से नहीं होगा। फिर आपके पास क्या अधिकार है? आगे आपके पास ये अधिकार है कि आप जो हैं सिविल न्यायालय में जाएंगे, सिविल कोर्ट में जाएंगे। सिविल कोर्ट में आपको सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा यह क्लियर कर दूँ। जो आपने आवेदन लगाए हैं और जो ऑर्डर आपके तहसीलदार या नायब तहसीलदार के यहाँ से आया हुआ है, वो आवेदन और उसके साथ जो वसीयत लगाए थे, डेथ सर्टिफिकेट लगाए थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, वो सारा सेट और उनके ऑर्डर का कॉपी कि किस कारण से उन्होंने नहीं दाखिल खारिज करने का आदेश दिए, दाखिल खारिज किए, वो चीज़ तो वो सारे लगा लीजिए। और फिर आपको एक वहाँ पे डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा उस सूट में कि यह व्यक्ति ने, जब मैंने तहसीलदार के यहाँ ये दाखिल खारिज के लिए वो ये वसीयत के आधार पर अपने नाम से दाखिल खारिज रसीद करने के लिए आवेदन दिया था, तो वहाँ से ये व्यक्ति ने आपत्ति दर्ज किया है, इसीलिए इस व्यक्ति को इस सूट में क्यों ना पार्टी बना के और इसको नोटिस किया जाए। अब कोर्ट में जब आप सिविल कोर्ट में ये फाइल करेंगे तो सिविल कोर्ट क्या करेगा कि आपके इस सूट के आधार पर उस व्यक्ति को नोटिस देगा जिन व्यक्ति ने आपत्ति दर्ज किया है आपके वसीयत के लिए कि ये वसीयत गलत है, या जो भी आपत्ति दर्ज किया है उसके लिए। फिर नोटिस देने के बाद वहाँ से उस व्यक्ति को बोला जाएगा, जब वो व्यक्ति आएंगे डेट पे, तो उनको बोला जाएगा कि आप जो आपत्ति दर्ज किए, किस आधार पे आपत्ति दर्ज किए, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, तो वो कोर्ट में प्रोड्यूस करें, कोर्ट में दें। उस व्यक्ति के पास यदि कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तब तो ठीक है, कोर्ट वहाँ पे मैटर को देखेगा और जो सही लगेगा वो करेंगे। लेकिन यदि उस व्यक्ति के पास कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे ही आपत्ति दर्ज कर दिया है, तो फिर कोर्ट जो है उनके आपत्ति को खारिज कर देगा और आप वसीयत के आधार पर आपके फेवर में ऑर्डर पास कर देगा और फिर आपको दाखिल खारिज करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको जब सिविल कोर्ट में जाते हैं तो सिविल कोर्ट में आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वसीयत में दो विटनेस का साइन होता है। अब विटनेस जो है, मान लीजिए दोनों विटनेस में से एक विटनेस नहीं है, एक विटनेस है, यानी एक विटनेस जिंदा नहीं है। यदि दोनों विटनेस हैं तो दोनों विटनेस को ले जाइए और वो विटनेस वहाँ पे जाके बोलेंगे कोर्ट में कि हाँ, मेरे सामने ये वसीयत बनाया गया था, ये व्यक्ति जो है वसीयत बनाए थे इनके फेवर में। यदि दोनों विटनेस नहीं है तो किसी एक विटनेस को ले जाइए। यदि विटनेस नहीं जाता है तो कोर्ट में इन चीज़ों को बोलिए, फिर कोर्ट के द्वारा विटनेस को बुलाया जाएगा। ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो एडवोकेट ड्राफ्ट किए हैं आपके वसीयत को, हो सके तो उन एडवोकेट को भी कोर्ट में प्रोड्यूस करें और वो एडवोकेट वहाँ पे बोलेंगे कि मेरे द्वारा यह ड्राफ्ट किया गया है, वसीयत बनाया गया है, यह वसीयत को ड्राफ्ट किया गया है। फिर जब आपके फेवर में सिविल कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है कि कोई आपत्ति नहीं है और यह सही है वसीयत और इस आधार पर इनका दाखिल खारिज कर दिया जाए, तो जो आपको सिविल कोर्ट से डिक्री सीट, ऑर्डर सीट जो भी मिला है, उसको लेके फिर आप नायब तहसीलदार या तहसीलदार जो भी आपके क्षेत्राधिकार में हैं उनके पास आइए
और वहाँ पे वो ऑर्डर के साथ पूरा जो सेट है वसीयत का, या फिर वसीयत के साथ जो डेथ सर्टिफिकेट है उनका, जो वसीयत किए हुए थे, वो सारी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे जमा कीजिए। फिर सिविल कोर्ट के निर्णय को तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो SDM कोर्ट में होते हैं, वो उनको खारिज नहीं कर सकते हैं। और उस आधार पर उस वसीयत को सही मान के, और फिर आप वसीयत में जिन जिन पक्षों के, जिन जिन व्यक्तियों के पक्ष में वसीयत बनाया गया है, उनको उनका नाम दाखिल खारिज हो जाएगा और उनके नाम से रसीद भी कट जाएगा, यानी उनका नामांतरण उसमें हो जाएगा, उनका वह प्रॉपर्टी फिर हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कि यदि कोई व्यक्ति आपके नाम से जमीन वसीयत करके गया है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद उस जमीन को अपने नाम से दाखिल खारिज करवाने के लिए, अपने नाम से उसका रसीद कटवाने के लिए, अपने नाम से जमाबंदी करने के लिए, तो ये सारे प्रोसेस है। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो किसी भी लीगल टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। लेकिन यह कंसल्टेंसी जो है वो चार्जेबल होगा, इसके लिए पहले आपको फीस जमा करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको सलाह दी जाएगी, और जो भी व्यक्ति कॉल करते हैं वो ऑफिस का टाइम जो है 10 से लेके 7 तक, यानी 10 बजे दिन से 7 बजे शाम तक ही आप किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी के लिए कॉल करें, उसके बाद कॉल ना करें। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।